सो डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे बालों की जी। आपके बाल किस तरह से इतने अच्छे हैं? नहीं है सर, अच्छे अब तो ख़त्म हो गए सर, एज के साथ बिल्कुल। ओके सर, बालों का केयर नहीं बता सकती हूँ मैं, जो हम सबको बताते, एक अच्छा शैम्पू जिसके अंदर कैफीन हो, शैम्पू जो बालों को जो है ना इंटैक्ट रखता है, गिरने से बचाता है। okay. और फिर एक विटामिन B12 होनी चाहिए मस्ट आपकी डाइट में, रात को सोने से पहले एक विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ही गिरते हैं बाल। ओके अच्छा, ये जो बायोटिन का कहते हैं, बायोटिन का होना जरूरी है? पर इससे ना वजन बढ़ता है, जो आपको पता है हम सबको तकलीफ होती है इससे। अच्छा, बायोटिन से वजन बढ़ता है? जी बिल्कुल बढ़ता है। ओके सो आई गेस नहीं यूज कर सकते आप बायोटिन, या कुछ थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें? देखिए बात तो ये कि एपेटाइट आपकी अगर कंट्रोल्ड है ना, तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो बायोटिन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेयर, क्योंकि आपके हेयर के अराउंड जो फॉलिकल्स होते हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने ये नहीं देखना कि बालों की ग्रोथ हो रही है, उसका जो साथ फॉलिकल है वो भी नरिश होना चाहिए। okay. तो उसके लिए जिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपको अपनी डाइट में चीज़ें रखनी चाहिए। बायोटिन एक वो थी कि वो बात है, जैसे कीटो डाइट की हाइप आई तो बायोटिन की भी हाइप आ गई, आपको मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा ये बताइए, जो डाइट होती है, क्या डाइट की वजह से भी बाल गिरते हैं? बिल्कुल गिरते हैं सर, गिरते हैं बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अपना डाइट अच्छा नहीं रखेंगे, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं होंगे डाइट नहीं, लेकिन जैसे कुछ लोग कीटो पे चले जाते हैं, आर्मी डाइट पे चले जाते हैं, इन पे चले जाते हैं अचानक से वेट लॉस करने के लिए, बहुत बाल गिरते हैं, बहुत बाल गिरते हैं। क्रैश डाइट की वजह से बाल गिरते हैं? बिल्कुल। जो हम वेट लॉस सर्जरीज की बात करते हैं, जो वेट लॉस सर्जरीज के बाद लोग आते हैं, तो उनके भी बाल गिर रहे होते हैं, क्योंकि वो सर्टेन। अच्छा, क्या वो बाल दोबारा वापस आ जाते हैं या अगर डेफिशिएंसीज जो है ना वो ओ ओके तो फिर आ जाते हैं? ओके, तो याद रखिए कि जब आप डाइट की बात करते हैं तो प्लीज अंडरस्टैंड कि क्रैश डाइट बहुत बुरी होती है आपके लिए भी, आपके ऑर्गन्स के लिए भी, आपके बालों के लिए भी, आपकी स्किन के लिए भी। तो फौरन से वेट लूज करने का आपको जरूरत नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लूज कर सकते हैं। ऐसा सर रखना चाहिए जो हम मेंटेन कर सकें। अच्छा, सप्लीमेंट्स जो यूज करने चाहिए वेट लॉस? मल्टीविटामिन्स जैसे बहुत हैं जो हम सब करते हैं, मैं जो विटामिन B12 बताई थी ना, स्पेशली बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप पूछ रहे थे। ओके, तो वो करना चाहिए बिल्कुल। और जैसे इन्होंने कहा जिंक सप्लीमेंट्स पे, मैं एक चीज़ बताऊँ, देखिए सप्लीमेंट्स ना आजकल मार्केट में देयर सो मेनी सप्लीमेंट्स, जो उसमें वो कहते हैं एक ले लें गोली सब मिल जाएगा, दिस इज सो रॉन्ग, बिकॉज देयर सर्टेन सप्लीमेंट्स जो एक दूसरे को एब्जॉर्प्शन को ना हिंडर करते हैं, जैसे जिंक और आयरन आप नहीं इकट्ठे ले सकते, कैल्शियम और आयरन आप इकट्ठे नहीं ले सकते, विटामिन सी आप एडेड कर सकते हैं, बट अगर जो आप आजकल एक जो आता ना एक ले रहे हैं सब मिल रहा है, दैट इज़ सो रॉन्ग। जिंक के साथ तो कभी भी आयरन सेलेनियम भी चीज़ें नहीं, मिनरल्स नहीं एडेड होने चाहिए, वो आपकी एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो फ़ायदा ही नहीं होगा उसका। अच्छा ये जैसे पिक्चर रोके, ये जैसे यहाँ पर ये सूरत हाल है, हम आप क्या कर सकते हैं सूरत हाल में? ये तो एलोपेशिया कहलाता है। अच्छा ये भी इनिशियली स्टार्ट होता है, तो अगर फ़ौरन हम इसको कवर कर लें, लेकिन समटाइम पीपल इसको अवॉइड करते हैं कि शायद हेयर फॉल हो रहा है वगैरह वगैरह। विटामिन B12 जैसे मैम ने कहा बहुत अच्छा है, इससे वेट पुट ऑन भी नहीं होता, बट ये कि इसमें बायोटिन लेना मस्ट होगा। ओके लाजमी। और एक को बहुत एक को बहुत एक अच्छा न्यूट्रिटन जो है वो ऑयल लेना पड़ेगा, साथ में कोई एक अच्छा शैम्पू लेना पड़ेगा, बट डाइट कंट्रोल के साथ साथ। आप सिर्फ सर धोना ही कमाल नहीं होता कि बाल रोक लें। अच्छा शैम्पू कितनी मरतबा करना चाहिए एक हफ्ते में? हम अक्सर ये पूछते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, हफ्ते में 2 बार करें, 3 बार करें, कितनी मरतबा करना चाहिए? I think three times. Yeah, with gaps. Alternate days में कर सकते हैं. डॉक्टर साहब? Daily sir. Thrice. आई डू इट डेली सर। वैसे हम कहते हैं कि बालों को जो है ना वो नहीं रखें 2 दिन तक भी ऐसे, पर जो लड़कियां हम जैसे ब्लो ड्राई करा लेती हैं ना, तो दिल नहीं करता अगले दिन वॉश करने का। एक दफ़ा सलोन चले जाओ ना तो मियाँ कहते हैं अल्लाह अब ये 2 दिन तक नहीं नहाएगी। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि आपका कैसे आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं डेली, पसीना तो नहीं आ रहा, इट डिपेंड्स। अब घर में एसी में बैठे हुए स्वेटिंग नहीं हो रही तो आप वीक में ट्वाइस और थ्राइस भी कर सकते हैं, बट इफ यू आर गोइंग आउट और लगता है कि गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है, तो दैट यू हैव टू क्लीन योर स्कैल्प। ये देखें पिक्चर इसमें, ये थोड़ा सा आवाज़ को कंट्रोल कीजिए, कभी इन एंड आउट जा रही है और हॉलो हो रही है, उसको दोनों को देख लीजिए आप लोग। जी जी, अच्छा ये एक पिक्चर दिखा रहा है इसमें हेयर फॉलिकल की ना, इसको डबल विंडो में दीजिए जी। इसमें पिक्चर दिखा रहे हैं हेयर फॉलिकल की ना? हाँ हाँ। अच्छा हेयर फॉलिकल होगा तो भी जो है ना बाल आपके मजीद आगे जो है ना पैदा होंगे। अब हेयर फॉलिकल ही नहीं होगा फिर हम कोई विटामिन B12 इस तरह की चीज़ लेंगे उसके बाद असर नहीं होता, तो पेशेंट्स आके हमें कहते हैं कि हमने ये भी करके देखा, बायोटिन भी लिया, विटामिन B12 हमने इंजेक्शन फॉर्म में टैबलेट फॉर्म में भी लिया, तो भी असर नहीं होता, बिकॉज के इसमें लिखा हुआ है लेफ्ट पे एपिडर्मिस स्किन सेबेशियस ग्लैंड, ये डैमेज होने लग जाते हैं आपके बाल, मतलब उसके बाद नहीं आएंगे फिर, वो गंजपन है।
तो बॉल्डनेस में आ जाता है वो। अच्छा, तो जैसे बाल गिर रहे हो तो कैसे पता चलता है कि अब हमारे बाल गिर रहे हैं, अब हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? बालों का तो वैसे ही आपको खुद अंदाजा हो जाता है कि हमारे बालों का वेट हल्का हो रहा है। जब आपके 150 से ज्यादा बाल गिरने लगे और आपको नजर आने लगे तो फिर आप सिवियर बॉल्डनेस की तरफ जा रहे हैं, आप मीडियम बॉल्डनेस की तरफ ऑलरेडी आ चुके हैं। 70 से 100 बाल आपके डेली गिरते हैं, लेकिन 150 से अगर ज़्यादा हेयर फॉल हो जाए तो आई थिंक फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अच्छा, इससे पहले भी एक पिक्चर इसमें आ रही थी, मैं उस पर बताता हूँ। जी जी, क्या आई वुड वांट टू मेक अ पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज आई एम फ्रॉम द मीडिया एंड यू नो फैशन, तो बहुत ज़्यादा ब्लो ड्राइंग करते हैं। तो ब्लो ड्रायर को बहुत ज़्यादा करीब से अगर आप रखते हैं तो ऑनेस्टली उससे भी आपके बाल झड़ते हैं। तो लोग जो बहुत इंटेंस हीट पे स्कैल्प को ड्राई कर देता है। यस, बहुत। आई हैव एक्चुअली हैड अ फ्रेंड जिनके सारे बाल झड़ गए बिकॉज़ ऑफ द ब्लो ड्राइंग, द हीट, द इंटेंस हीट ऑफ इट। तो वो बहुत ध्यान करना होता है। दैट्स वन ऑफ द पॉइंट्स।